इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट से इसलिए डरता है, चीन 100 साल पुराना है यह इतिहास और राज। भारतीय सेना की एक ऐसी रेजिमेंट की कहानी सुनाने के लिए आज मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, जिसका एक एक सैनिक 1.25 लाख के ऊपर भारी पड़ता है। एक सच्चा सिख सिपाही वही होता है जो किसी भी मुश्किल को बड़ा नहीं मानता, किसी भी दुश्मन को खतरनाक नहीं मानता, जो हंसते हंसते कुर्बान हो जाता है अपने देश के ऊपर, वही एक सच्चा सिख सैनिक होता है। ये हिंदुस्तान के वो योद्धा हैं जिन्होंने हर लड़ाई के अंदर देश का गौरव बढ़ाया है। सिख रेजिमेंट का इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है। इंडियन आर्मी कभी भी पीछे नहीं हटती, अपने काम को पूरा करके ही वापिस आती है, लेकिन सिख रेजिमेंट पहले विश्व युद्ध से लेकर आज तक बुलंद है। वैसे इंडियन आर्मी में कोई भी रेजिमेंट किसी से भी कम नहीं है, लेकिन सिख रेजिमेंट की एक खास बात है, सिख रेजिमेंट देश की आन बान और शान है। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट से चीन के फौजी क्यों कांपते हैं, वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और आगे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए और सुपर थैंक्स जरूर देना। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और इंडियन आर्मी की गलवान घाटी के अंदर हुई झड़प को थोड़ा समय हो चुका है। इस झड़प के अंदर 24 साल के सिपाही गुरतेज सिंह समेत 4 सिख सैनिकों ने बहादुरी से चीन का सामना किया था। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सिख सैनिकों की वजह से गलवान के अंदर चीनी सैनिकों को भागना पड़ गया था। चीन आज भी भारतीय सेना के सिख सैनिकों से डरता है और इस डर की जो वजह है वो 100 साल पुरानी है। आइए अब आपको सिख रेजिमेंट की वो गाथा सुनाता हूँ जिसके कारण आज भी चीन के सैनिक सिख रेजिमेंट से डरते हैं। 15 जून 2020 को गलवान घाटी के अंदर जो हिंसा हुई थी उसमें पंजाब की घातक प्लाटून के 4 जवान भी शामिल थे। पिछले वर्षों में जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी तब चीन की सेना ने पेगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे के ऊपर लाउड स्पीकर लगाए हुए थे। उन बिंदुओं के ऊपर वहां पर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका था। रेजांगला से लेकर रेकिनला तक इंडियन आर्मी और चीनी जवान आमने सामने थे। जो लोग इस जगह से वाकिफ है उन्हें पता होगा कि चुशुल के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मेस के ऊपर आज भी लाफिंग बुद्धा की एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। कहते हैं कि इस मूर्ति को एक सदी पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने ही जब्त किया था। उस समय सिख सैनिक 8 देशों के उस मिशन का हिस्सा थे जिसमें चीन की बाक्सर रेबेलियन को खत्म करना था। यह संगठन युवा किसानों और मजदूरों का संगठन था जिसे विदेशी प्रभाव को खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया था। ब्रिटिश आर्मी ने उस समय सिख और पंजाब रेजिमेंट्स की मदद के साथ बाकी रेजिमेंट्स की भी मदद ली थी। सेनाएं बीजिंग के अंदर दाखिल हुई और उसके बाद बक्सर के लड़ाकों ने विदेशी जवानों को धमकाया। उन्होंने करीब 400 विदेशियों को बंधक बनाकर बीजिंग के अंदर स्थित फॉरेन लीगेशल क्वार्टर के अंदर रखा। 55 दिनों तक चले संघर्ष के लिए 20,000 जवान बीजिंग के अंदर दाखिल हुए थे। करीब 8,000 जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ थे और ये भारत से गए हुए थे। इसमें से ज्यादातर सिख और पंजाब रेजिमेंट के थे। कहते हैं कि जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी लूटपाट के अंदर लग गई। फ्रांस और रूस के जवानों ने भी वहां पर नागरिकों की हत्या तक कर दी और कुछ ने महिलाओं का बलात्कार भी किया। सिख सैनिक अपने मिशन के अंदर जी जान से लगे रहे। चुशुल के आर्मी मेस में जो लाफिंग बुद्धा रखा है वो उन सामानों में शामिल था जिसे जवान अपने साथ लेकर आए थे। अपनी किताब इंडियाज चाइना वार में ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने विली मैक्सवेल ने लिखा, चीन ने इसी सोच के साथ 1962 की जंग भारत के खिलाफ लड़ी थी। विशेषज्ञों की माने तो यही वजह है कि PLA पंजाबी या फिर सिख सैनिकों को मनोवैज्ञानिक तौर के ऊपर कमजोर करने के लिए ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते रहते हैं। दोस्तों यही वह कारण है कि चाइना की फौज आज भी सिख रेजिमेंट से डरती है और सिखों का वह खौफ मानती है। वैसे भी सिखों को देखकर चीनी फौज अक्सर पीछे मुड़ जाती है। आज भी चीनी खौफ खाते हैं कि कहीं फिर से उनको बंधक ना बना लिया जाए। जहां पर भी चीनियों को सिख दिखाई देते हैं तो चीनी वहीं से किनारा कर लेते हैं। भारत की सीमाओं के ऊपर अलग अलग जगहों के ऊपर जहाँ पर ज्यादा खतरा होता है वहां वहां पर हम सिख रेजिमेंट को देख सकते हैं। आज सिख रेजिमेंट हमारे देश की आन बान और शान है, इसीलिए वह आज भी डरते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।